AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, यहाँ की BRS सरकार ने जो असंवैधानिक आरक्षण दिया है वो हटाया जाना चाहिए। संवैधानिक तौर पर किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। मैं एक बात जरूर बता देता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो यहाँ के सरकार ने दिया है उसको हटाना चाहिए, और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया नहीं जाता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, बल्कि हमने जो EWS रिजर्वेशन दिया है, यानी आर्थिक नीति पे जो रिजर्वेशन पहली बार इस देश में किसी ने सोचा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% रिजर्वेशन, एडिशनल रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिया है, ना किसी धर्म के आधार पर, ना किसी वो जाति के आधार पे भी। जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, किसी भी धर्मों के रहने दो, उन्हें 10% रिजर्वेशन, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो एडुकेशन में हो, वो रिजर्वेशन ज्यादा करके प्रमोट करना चाहिए। स्पोर्ट्स वाला रिजर्वेशन ज्यादा करके प्रमोट करना चाहिए, डिजेबिलिटी वाला रिजर्वेशन प्रमोट करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो जाति वाला रिजर्वेशन दिया है वो भी प्रमोट करो। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन इस तरह से नहीं देना चाहे। देखिए, BJP जो कह रही है रिजर्वेशन के बारे में, झूठ बोल रही है। तेलंगाना और आंध्रा के में जो रिजर्वेशन मिल रहा है मुसलमानों को, रिलीजन पे नहीं मिल रहा, नंबर वन उनको मिल रहा है उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, और हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। एक बैकवर्ड मुसलमानों में ही बैकवर्ड एक क्लासेस या कास्ट की लिस्ट बनाई गई है, उन्हीं को मिल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जारी है। तो आखिर BJP को नफरत क्यों है? अगर मुसलमानों में वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन गरीब के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, MRO बन रहे हैं, RDO बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, तकलीफ क्या है उनको आखिर? क्या वो नहीं चाहते कि भारत एक ताकतवर मुल्क बने? तो ये इनकी नफरत की सियासत है और कुछ नहीं है।